नमस्कार, मैं तनु जांगिड आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। सिक्किम आज के दिन बना था भारत का संरक्षित राज्य। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 5 दिसंबर 1950 को सिक्किम को भारत का संरक्षित राज्य बनाया था। इसके तहत भारत को सिक्किम की रक्षा, कूटनीति और संचार जैसी जरूरतों को पूरा करना था। 1953 में सिक्किम के चौग्याल यानी राजा को शासन में मदद करने के लिए एक स्टेट काउंसिल बनाई गई थी जो 1973 तक काम करती रही। संसद से विधेयक पारित होने के बाद 15 मई 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने जब बिल पर हस्ताक्षर किए तो सिक्किम से नामग्याल राजवंश का शासन समाप्त हो गया था। 16 मई 1975 को सिक्किम को औपचारिक रूप से भारतीय गणराज्य का 22वां प्रदेश बना लिया गया था। स्वतंत्रता सेनानी और दार्शनिक अरविंद घोष का आज के दिन हुआ था निधन। स्वतंत्रता सेनानी, कवि, योगी और दार्शनिक अरविंद घोष का 5 दिसंबर 1950 को निधन हो गया था। अरविंद घोष ने युवा अवस्था में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया। ब्रिटिश सरकार उनके क्रांतिकारी विचारों और कार्यों से बहुत आशंकित थी और इसी के चलते 2 मई 1908 को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अलीपुर जेल में रखा था। इतिहास में इसे अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। अलीपुर जेल में ही उन्हें हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र विषयक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति हुई। इसके बाद वो योगी बन गए और पौंडीचेरी में आश्रम की स्थापना की। इसके साथ ही वेद, उपनिषद आदि पर टीका लिखी, योग साधना पर मौलिक ग्रंथ लिखे। अरविंद घोष की साधना पद्धति के अनुयायी पूरी दुनिया में है। मुलायम सिंह यादव आज के दिन पहली बार बने थे यूपी के मुख्यमंत्री। किसान नेता और नेताजी व धरती पुत्र के नाम से जाने वाले मुलायम सिंह यादव 5 दिसंबर 1989 को पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। मुलायम सिंह यादव 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके अलावा वह रक्षा मंत्री भी रहे हैं। मुलायम सिंह ने अपने राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह के परंपरागत विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर से राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। 1967 में वह पहली बार विधायक का चुनाव सोशलिस्ट पार्टी से लड़े और जीते थे। इसके बाद उन्होंने दूसरा चुनाव प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से लड़ा और जीत हासिल की थी। आज के दिन युक्ता मुखी ने जीता था मिस वर्ल्ड का खिताब। 1990 से 2000 के दशक में भारत की युवतियों ने दुनिया भर की सौंदर्य प्रतियोगिता में देश का नाम रोशन किया था। 1994 में शुरू हुए इस सिलसिले में 5 दिसंबर 1999 को युक्ता मुखी ने एक और सुनहरा अध्याय जोड़ दिया था जब उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था। बेंगलुरु में जन्मी युक्ता ने मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में काम किया था। उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी भाग्य आजमाया था लेकिन अधिक सफलता हासिल नहीं कर पाई। युक्ता मुखी ने तमिल फिल्म पुवेल्लम उन वसम, बॉलीवुड फिल्म प्यासा, लव इन जापान, कठपुतली, कब कहवा तू, आई लव यू, मेम साहब और गुड न्यूज में रोल निभाया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 5 दिसंबर दिन रविवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है यश प्रतिष्ठा। मेष, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 81%। छात्रों के लिए समय थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। ऋण भार से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में तरक्की हो सकती है। बाहरी स्थानों से हानि संभव है। रुके हुए काम बनने के योग है। शुभ रंग लाल सिंदूरी तथा निषेध रंग नीला काला। वृष, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 52%। कार्य क्षेत्र में आप कड़ी मेहनत करेंगे। आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे अवसर मिलेंगे। कामयाबी आपके साथ होगी। यात्रा के योग हैं शुभ रंग सफेद लाल तथा निषेध रंग स्लेटी काला। मिथुन, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 70%। आपकी आय बढ़ेगी। बेरोजगारों को नौकरी के लिए अभी और भागदौड़ करनी पड़ सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार के योग हैं। शुभ रंग हरा लाल तथा निषेध रंग पीला सफेद। कर्क, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 55%। नए सहयोगी मिलेंगे और आपका रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। वित्तीय मामलों से जुड़े फैसले कुछ समय के लिए टाल दें। आपके खर्च बढ़ेंगे। प्रोफेशन में विपरीत लिंग के व्यक्ति से मदद मिल सकती है। स्थान परिवर्तन के योग हैं। शुभ रंग नारंगी लाल तथा निषेध रंग हरा काला।
सिंह, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग 91%। कोई शुभ समाचार संभव है। सेहत में मंद गति से सुधार होगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले परिजनों में किसी अतरंग अथवा विश्वासपात्र व्यक्ति की सलाह लेना जरूरी होगा। नए मित्र बनने के योग हैं। शुभ रंग लाल गुलाबी सिंदूरी तथा निषेध रंग नीला काला हरा। कन्या, आपकी यश प्रतिष्ठा के लिए भाग 71%। भाग्य को भी अपने इर्द गिर्द महसूस करेंगे। परिणामों का असर मिला जुला रहेगा। कुछ मोर्चों पर समझौता करना पड़ सकता है। आपका परिश्रम व्यर्थ हो सकता है। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्ति के योग है। शुभ रंग हरा लाल तथा निषेध रंग मस्टर्ड सिंदूरी। तुला, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 42%। कोई परेशानी आ सकती है, परंतु आप उसे आसानी से हल कर लेंगे। धार्मिक यात्रा को व्यस्तता के चलते निरस्त करना पड़ सकता है। निराशा रहेगी। संतति से संबंधित उपलब्धि से गर्व का अनुभव होगा। स्थान परिवर्तन के योग हैं। शुभ रंग लाल तथा निषेध रंग सफेद। वृश्चिक, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 76%। किसी परिजन को लेकर भी चिंतित रह सकते हैं। अनुकूल समय का लाभ उठाएं। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। परीक्षार्थियों को अपेक्षित परिणाम ना प्राप्त होने से निराशा के योग हैं। शुभ रंग लाल सिंदूरी तथा निषेध रंग भूरा काला। धनु, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 72%। जल्दबाजी में अपना मोटा पैसा किसी गलत योजना में लगा सकते हैं। सब्र से काम ले। पेशेवर स्तर पर अपनी क्षमता साबित करने में सफल रहेंगे। योजना बनाकर समझबूझ के साथ अपने कार्यों को करते जाएं। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से सहयोग के योग हैं। शुभ रंग पीला बसंती लाल तथा निषेध रंग हरा काला। मकर, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 46%। नौकरी की दृष्टि से समय लाभप्रद रहेगा। आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा, परंतु अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उत्साह एवं पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग गुलाबी तथा निषेध रंग काला। कुंभ, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 47%। किसी महत्वपूर्ण कार्य की सिद्धि के योग हैं। भाग्य भी आपके साथ है। विशेष रूप से अपने प्रदर्शन पर ध्यान दें। बहुप्रतीक्षित कार्य के संपन्न होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में सहकर्मी का सहयोग प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग गुलाबी तथा निषेध रंग स्लेटी। मीन, आपकी यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 78%। नौकरी पेशा वर्ग के लिए समय अनुकूल है। नौकरी पैसा लोगों को अच्छी खबर मिलने के योग हैं। निवेश करते समय पूरी तरह सावधान रहें। व्यापार विस्तार की योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर पाने के योग हैं। शुभ रंग पीला लाल गुलाबी तथा निषेध रंग हरा काला सिलेटी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय 5:34 से 7:18 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी को 0121-266-888 या 0983-706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।